हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शटरिंग का वीडियो नंबर पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शटरिंग। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शटरिंग के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किया, अब हम जो है शटरिंग के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन मटेरियल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शटरिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट अभी हम मटेरियल के बेसिस पे शटरिंग के टाइप्स को देखेंगे। यानी कि हमारे शटरिंग बनाने में जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके बेसिस पे हम शटरिंग को बनाते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा वो है टिम्बर फॉर्मवर्क। टिम्बर का आप मतलब समझते हैं वुड। वुड या टिम्बर एक ही चीज़ है। वुड को जब आप प्लैंक फॉर्म में कर देते हैं या उसे सरफेस स्मूथ करके कुछ भी बनाते हैं तो टिम्बर भी कह लेते हैं उसको, चाहे वुड, सेम थिंग है। टिम्बर शटरिंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्ड स्टील मोस्ट यूज ऑफ फॉर्मर। यानी कि जो टिम्बर शटरिंग है सबसे पुराना तकनीक है शटरिंग का, ये सबसे अधिक आज भी यूज होता है और सबसे पुरानी पद्धति है जो कि काफ़ी समय से शटरिंग में यूज होते आ रही है। इट इज़ नॉर्मली असेंबल्ड ऑन साइट। ये जो है टिम्बर फॉर्मवर्क, ये मैक्सिमम जो है साइट पे ही बनाते हैं इसे, क्योंकि ये फैक्ट्री मेड होता है ना, टिम्बर को ले आता है, जो भी साइजेज हमें चाहिए डिफरेंट साइजेज में से कट करके हम इसके शटरिंग तैयार करते हैं। हाउएवर बिफोर यूजिंग टिम्बर फॉर्मवर्क इट्स कंडीशन मस्ट बी चेक्ड केयरफुली। यानी टिम्बर को से हम फॉर्मवर्क बनाने से पहले उसकी कंडीशंस को चेक कर लेंगे। मेक श्योर इट्स फ्री ऑफ टर्माइट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। यानी कि उसमें कोई टर्माइट तो प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो मौजूद नहीं है, जिससे कि हमारा आने वाले फ्यूचर में टिम्बर जल्दी खराब ना हो। टिम्बर शटरिंग ऑल्सो हैज टू लिमिटेशंस दैट मस्ट बी कंसिडर वाइल यूजिंग इट। इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड इज टाइम कंज्यूमिंग इन लार्ज प्रोजेक्ट। टिम्बर का जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं हो पाता, इसकी रिपीटेशंस कम होती हैं। तो ये चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि टिम्बर के लिमिटेशंस जो हैं। वाइल यूजिंग टिम्बर शटरिंग इट शुड बी कट इन टू पीसेस दैट आर लार्ज एनफ टू बी रीयूज। टिम्बर के पीसेस को हम छोटा छोटा करके यूज़ करें, क्योंकि बड़े पीसेस को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। छोटे पीसेस रहेंगे तो मिल करके बड़ा पीस बना सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसे छोटे छोटे पीस करके ही यूज़ करें। इन जनरल टिम्बर शटरिंग इज़ प्रेफर्ड व्हेन लेबर कॉस्ट आर मिनिमम और व्हेन मल्टीपल कंक्रीट सेक्शंस रिक्वायर फ्लेक्सिबल फॉर्मवर्क। टिम्बर शटरिंग हम तभी यूज करते हैं जब लेबर कॉस्ट हमारा कम रखना है प्रोजेक्ट का और बार बार कंक्रीट सेक्शन में, मतलब इसे लगातार यूज करना है, या अलग अलग तरह के कंक्रीट सेक्शंस हैं, जैसे हम उसी टिम्बर को कॉलम में भी यूज कर रहे हैं, बीम में भी यूज कर रहे हैं, या साइजेज चेंज हो रहा है कॉलम बीम के, तो वहाँ पे हमारा जो ये टिम्बर है बहुत इजीली यूज हो पाता है। टिम्बर शटरिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। ईजी टू मेक एंड रिमूव। यानी टिम्बर से हमें फॉर्मवर्क बनाना बहुत आसान होता है, अब बहुत जल्दी हम इसे शटरिंग और डिशटरिंग कर सकते हैं। इकोनॉमिकली चीपर इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। अगर छोटे छोटे घरों में या छोटे छोटे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में हम इसे यूज करें तो हमारे लिए काफ़ी चीप और सस्ता पड़ता है। वर्केबल एज अलाइंग एनी साइज एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हाइट चाहे जैसे भी हो वहाँ पर टिम्बर फॉर्मवर्क हमारा बिल्कुल सूट हो जाता है। ऑलवेज द यूज ऑफ लोकली अवेलेबल टिम्बर। और इससे हमारा बेनिफिट क्या है कि हम जो भी हमारा मार्केट में अवेलेबल टिम्बर है लोकली उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लाइट वेट स्पेशली वेन कम्पेयर्ड विथ हैवी मेटेलिक फॉर्मवर्क। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, इजी टू हैंडल होता है हमारे मेटेलिक फॉर्मवर्क के कंपेरिजन में। तो इसलिए टिम्बर फॉर्मवर्क के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। सो नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मटेरियल टाइप इज प्लाईवुड शटरिंग। यानी कि मटेरियल के बेसिस पे जो सेकंड नंबर पे हमारा टाइप्स ऑफ शटरिंग वो क्या है, प्लाईवुड शटरिंग। तो प्लाईवुड तो आपको पता होगा, प्लाईवुड जनरली हर जगह यूज होता है, तो प्लाईवुड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्लाईवुड कैसे तैयार होता है, बट फिर भी देख लेते हैं कि प्लाईवुड से शटरिंग कैसे बनती है। प्लाईवुड शटरिंग इज एन अननेचुरल मैन्युफैक्चर्ड वुडन सीट अवेलेबल इन डिफरेंट थिकनेसेस। यानी कि प्लाईवुड शटरिंग जो है ये मतलब जो नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड चीज़ है। वुडन सीट मार्केट में मिलती है अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग साइजेस की, जिसे हम फॉर्मवर्क में यूज़ करते हैं। साइजेस यूज्ड इन फॉर्मवर्क फॉर कंक्रीट मेंबर और द स्ट्रक्चर। यानी कि ये मैनमेड प्लाईवुड है, मैनमेड वुड है, जिसे हम डिफरेंट साइजेज या थिकनेसेज में मार्केट से खरीद सकते हैं। और जैसा भी हमारा पर्पस है, कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए, जैसा भी जिस भी साइज है, जिस भी डायमेंशन का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें हम इजिली जो है प्लाईवुड शटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मार्केट में हर जगह बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसे यूज करके प्लाईवुड शटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। यानी कि ये बहुत मजबूत होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है और बहुत ही यूज करने में हल्का होता है। प्लाईवुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज मटेरियल्स फॉर सीथिंग, डेकिंग एंड लीनिंग्स इन द शटरिंग। यानी कि प्लाईवुड का हम सीथिंग, डेकिंग और लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं शटरिंग में।
प्लाईवुड शटरिंग हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज टिम्बर शटरिंग, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इज लाइट वेट। प्लाईवुड शटरिंग के प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सिमिलर हैं वुड के या टिम्बर के बराबर हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा लाइट वेट है, जिसकी वजह से प्लाईवुड शटरिंग थोड़ा सा एडवांस हो जाता है शटरिंग के मामले में, और टिम्बर फॉर्मवर्क से काफ़ी आगे निकल जाता है क्योंकि ये लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है। द कॉस्ट ऑफ प्लाईवुड शटरिंग कंपेयर्स फेवरेबली विथ दैट ऑफ टिम्बर शटरिंग एंड इट में इवन प्रूव चीपर अंडर द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या होता है कि प्लाईवुड शटरिंग जो है थोड़ा सा इसका पक्ष मजबूत हो जाता है टिम्बर शटरिंग के मुकाबले, ये थोड़ा सा चीपर भी होता है, लेकिन कब होता है उसके कुछ कंडीशंस हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए स्मूथ एंड क्लीन फिनिशेस इन विच केस सरफेस फिनिशिंग इज देयर, यानी कि सरफेस फिनिश की जहाँ बात आती है वहाँ पे ये जो हमारा प्लाईवुड शटरिंग वो बाजी मार जाता है टिम्बर फॉर्मवर्क के मुकाबले, ये काफ़ी अच्छी फिनिश देता है कंक्रीट के ऊपर। द नंबर ऑफ रीयूजेस और रिपीटेशंस इज मोर एज कम्पेयर्ड विद टिम्बर शटरिंग। फॉर एस्टिमेशन पर्पज द नंबर ऑफ रीयूजेस कैन बी टेकन एज 20 to 25, यानी कि जो हमारा टिम्बर शटरिंग के मुकाबले जो हमारा ये प्लाईवुड शटरिंग, इसके हम काफ़ी रिपीटेशंस कर सकते हैं। जब भी हम कहीं का एस्टिमेशन लेते हैं तो उसमें जब हम शटरिंग को कंसिडर करते हैं तो मान के चलते हैं कि ये जो हमारा शटरिंग है ये 20 से 25 बार यूज हो सकता है, रिपीट हो सकता है। इन शटरिंग टाइप इट्स मेड पॉसिबल टू सेव मोर ऑन लेबर कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एंड डिसमेंटलिंग, यानी कि प्लाईवुड शटरिंग में हमारा लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट सब कुछ टिम्बर शटरिंग के मुकाबले हमारा सस्ता होता है और काफ़ी ईजी होता है यूज करने में। सो इसलिए हमारा जो प्लाईवुड शटरिंग है वो टिम्बर शटरिंग के थोड़ा सा ऊपर कंसिडर किया जाता है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के बेसिस पे जो हमारा अगला टाइप है वो है स्टील और मेटेलिक शटरिंग। तो स्टील आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, स्टेनलेस स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, बट हम जनरली यहाँ माइल्ड स्टील का ही यूज़ करते हैं, और मेटल में हम कभी कभी एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं, और जनरली हैवी MS के प्लेट्स भी यूज करके हम शटरिंग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टील शटरिंग इंक्लूड्स पैनल्स फैब्रिकेटेड आउट ऑफ थिन स्टील प्लेट्स फिक्स्ड अलॉन्ग द एजेस बाई स्मॉल स्टील एंगल्स, यानी कि जो हमारे स्टील शटरिंग होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट थिन मतलब पतले पतले पैनल्स होते हैं, स्टील के थिन पैनल्स होते हैं, उनको हम आपस में जोड़ते हैं और कॉर्नर्स पे एल शेप के एंगल को वेल्ड करके हम इसके पैनल्स बनाते हैं। द पैनल्स यूनिट्स कैन बी हेल्ड टुगेदर बाई यूजिंग सुटेबल क्लैम्प्स और बोल्ट्स एंड नट्स, और उन पैनल्स को आपस में हम नट से या क्लैम्प्स के थ्रू हम जोड़ते हैं। दिस टाइप ऑफ शटरिंग इज मोस्टली यूज इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क, हालांकि आजकल तो हर जगह यूज हो रहा है, बट इसका जो मैक्सिमम यूज है, जो हमारे स्टील और मेटेलिक शटरिंग का जो मैक्सिमम यूज है वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, या वो ओवर ब्रिज हो या रिवर क्रॉसिंग ब्रिजेज हो या रेलवे ब्रिजेज हो, तो ज़्यादातर हमारा जो मेटेलिक शटरिंग का इस्तेमाल है वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ही यूज होता है। स्टील शटरिंग इज नाउ बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू इट्स लॉन्ग लाइफ एंड मल्टीपल यूजेज, यानी कि जो स्टील शटरिंग है हमारा वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है टिम्बर और वुड के मुकाबले, प्लाईवुड के मुकाबले। स्टील जो है जल्दी खराब होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए हम इसके मल्टीपल यूजेज रीयूजेज कर सकते हैं। स्टील शटरिंग कुड बी कॉस्टली बट कैन बी यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टील तो है कॉस्टली, बट हम इसके रिपीटेशन ज़्यादा करने की वजह से हम इसे बाद में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे यूज करने के बाद हम इसकी जो क्वांटिटी और अमाउंट जो निकालेंगे इसका तो बिल्कुल कम निकल जाएगा। स्टील शटरिंग ऑफर्स वेरी स्मूथ एंड लेवल फिनिशेस टू द कंक्रीट सरफेस, और जाहिर सी बात है कि स्टील से आपको जो सरफेस हो काफ़ी स्मूथ मिलेगा। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर सच एज टैंक्स, कॉलम्स, चिमनी, सीवर्स, टनल, रिटेनिंग वॉल्स एक्सेट्रा, ये ज़्यादातर सर्कुलर कॉलम्स, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, टैंक है, कॉलम है, चिमनी है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो स्टील शटरिंग के कुछ एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टील शटरिंग विथ कंसिडरिंग टिम्बर शटरिंग, मतलब टिम्बर शटरिंग को ध्यान में रखते हुए हम कंपेयर कर लेते हैं स्टील शटरिंग को। इट गिव्स अ वेरी स्मूथ प्लेन एंड लेवल फिनिश टू सरफेस ऑफ द मेंबर, यानी कि जो हमारा टिम्बर शटरिंग था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो हमारे ये स्मूथ प्लेन और लेवल सरफेस देता है। स्टील शटरिंग इज़ वेरी इफिशियंट, ड्यूरेबल एंड हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया कि इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी है और ये काफ़ी इफिशियंट है, काफ़ी चीप पड़ता है। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ हनी कम्बिंग, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है तो इसलिए हमारा जो कंक्रीट में वो हनी कम्बिंग स्ट्रक्चर्स माने के चांसेज जो है वो बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। इट कैन बी यूज मोर देन 100 रिपीटेशन, यानी इसे हम 100 बार से भी ज़्यादा टाइम यूज कर सकते हैं। स्टील शटरिंग डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट सर्फेस, वुड की तरह हमारा जो स्टील शटरिंग है वो मॉइस्चर भी नहीं सोखता। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड डिसमेंटल्ड वेरी इजली, यानी कि बहुत आसानी से हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डिसमेंटल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन मटेरियल्स, दैट इज एल्यूमिनियम शटरिंग, यानी कि अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम शटरिंग। इससे पहले हमने किसकी बात की, मेटेलिक और स्टील शटरिंग की, या फिर MSCI जो भी मेटल्स के हमारे शटरिंग होते हैं उनकी हमने बात की। अब हम बात करें एल्यूमिनियम की शटरिंग की।
तो आप सोच रहे हो कि एल्युमिनियम से भी शटरिंग होती है? जी हाँ, एल्युमिनियम से भी शटरिंग होती है। एल्युमिनियम शटरिंग इज़ वेरी सिमिलर टू स्टील शटरिंग। ये देखने में तो स्टील शटरिंग के जैसा ही लगता है एल्युमिनियम भी। द मेन डिफरेंस इज़ दैट एल्युमिनियम हैज़ अ लोअर डेंसिटी दैन स्टील, यानी कि जो हमारा डेंसिटी होता है वो हमारा एल्युमिनियम का काफ़ी कम है स्टील के मुकाबले, जिसकी वजह से विच मेक्स फॉर्म वर्क लाइटर एंड ईजियर टू हैंडल, यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्म वर्क है जो शटरिंग वो काफ़ी हल्का हो जाता है और ईजी टू हैंडल हो जाता है, यानी कि हम इसे इससे ईजिली जो है स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट कर सकते हैं, जैसे मन वैसे इसे उठा सकते हैं, जहाँ जिस भी हाइट पे ले जाना हो हैंडलिंग इसकी बहुत ईजी हो जाती थी। इसलिए हम स्टील शटरिंग के मुकाबले कभी कभी एल्युमिनियम शटरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एल्युमिनियम शटरिंग ऑल्सो हैज़ अ लोअर स्ट्रेंथ दैन स्टील शटरिंग, हालांकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होता है स्टील शटरिंग के मुकाबले, एंड दिस क्राइटेरिया मस्ट बी कंसिडर बिफोर यूजिंग इट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि जब जो भी हमारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तब हम वहाँ एल्युमिनियम शटरिंग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, स्टील शटरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्युमिनियम शटरिंग के यूज़ से पहले हम ये चीज़ देख लेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होने वाला, जो भी हमारा एलिमेंट हम मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना है, जो भी जिस पर भी हमें शटरिंग करनी है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो हम एल्युमिनियम का यूज़ ना करके हम स्टील का यूज़ करेंगे। एल्युमिनियम शटरिंग इज़ इकोनॉमिकल इफ़ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर मेड इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि एल्युमिनियम शटरिंग काफ़ी इकोनॉमिकल, काफ़ी सस्ता हो जाता है स्टील शटरिंग के मुकाबले अगर हम उसके रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो हमारा जो एल्युमिनियम शटरिंग क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। द मेन डिसएडवांटेजेस इज दैट नो अल्टरनेशन इज पॉसिबल वंस द शटरिंग इज कंस्ट्रक्टेड और प्रोड्यूस्ड। इसकी सबसे बड़े डिमेरिट क्या है कि एल्युमिनियम से अगर हमने कोई फॉर्मवर्क तैयार कर लिया, कोई साइजेस तैयार कर लिए, किसी अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस के हमने जो फॉर्मवर्क तैयार कर लिए, तो उससे हम आसानी से काट पीट नहीं सकते, उसे हम काट करके चेंज नहीं कर सकते। ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, उसके लिए हमें फैब्रिकेटर बुलाना होता है, फैब्रिकेशन कराना होता है, चीज़ों को चेंज कराना पड़ता है, इसलिए जो है ये इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस है। तो ये आप ये याद रखें कि एल्युमिनियम का मेन डिसएडवांटेजेस क्या है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन मटेरियल इज प्लास्टिक शटरिंग। प्लास्टिक तो आपको सबको पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, बट प्लास्टिक से शटरिंग होती है? हाँ जी बिल्कुल, प्लास्टिक से शटरिंग होती है। तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आइए हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक शटरिंग क्या होता है। प्लास्टिक शटरिंग इज एक्सक्यूटेड बाई इंटरलॉकिंग पैनल्स, यानी कि प्लास्टिक के हम कुछ पैनल्स बना लेते हैं जिसको हम कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से जोड़ते हैं, और मॉडुलर सिस्टम के थ्रू, जो कि मेड अप ऑफ लाइट वेट एंड रोबस्ट प्लास्टिक, यानी कि ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं और काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसे हम पैनल के फॉर्म में बना करके मॉडुलर सिस्टम के थ्रू हम इंटरलॉकिंग करके इन्हें जोड़ते हैं। इट वर्क्स बेस्ट इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड टास्क सच एज लो कॉस्ट हाउसिंग एस्टीमेट्स। ये ज़्यादातर जो है छोटे छोटे घर में, जैसे एक जैसे ही 10 घर बनना है किसी कॉलोनी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक शटरिंग डिज़ाइन करवा लेंगे, फॉर्मवर्क तैयार करवा लेंगे, जिसे हम इजीली रिपीट कर सकते हैं। इट मेनली कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल कंक्रीट स्ट्रक्चर, ज़्यादातर ये जो बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एक साइज के ही बीम है, एक साइज के ही कॉलम, एक साइज की ही फुटिंग है, कंटिन्यूस उसका यूज़ आना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लास्टिक फॉर्मवर्क बनवा लेंगे, तो उससे हम काफ़ी इजीली रिपीट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक शटरिंग इज़ लाइट इन वेट एंड कैन बी क्लीन्ड विथ वाटर वाइल बींग सुटेबल फॉर लार्ज सेक्शंस, यानी कि हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं, और जब हमारा यूज हो जाए, जब कंक्रीट हमारी कास्ट हो जाए, तो इसे हम क्या करेंगे, पानी से धुल देंगे। तो इसके लाइट वेट होने के चलते हम इसके मेनी रिपीटेशंस कर सकते हैं, धुल के हम इसे मेनी बार बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। इट्स मेन ड्रॉबैक इज हैविंग लेस फ्लेक्सिबिलिटी दैन टिम्बर बिकॉज ऑफ मेनी कंपोनेंट्स आर प्री फैब्रिकेटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज। इस सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि टिम्बर की तरह हम इसे काट पीट के छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री से बन के आते हैं, ये साइट पे तो बनते नहीं है, फैक्ट्री से बन के आते हैं, तो इसका मेन डिमेरिट हमारा यही है। दिस टाइप ऑफ शटरिंग आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर सिमिलर शेप्स एंड मैसिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि जैसे मैंने बताया कि कोई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है या कॉलोनीज बनानी है, एक जैसे घर बनाने, तो वैसे जगहों के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुका है, बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज हो रहा है हमारा प्लास्टिक शटरिंग। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक शटरिंग के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा, प्लास्टिक शटरिंग आर वन ऑफ द लाइटेस्ट लाइट वेट शटरिंग, हेंस इट रिक्वायर्स लेस हैंडलिंग एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। क्योंकि प्लास्टिक शटरिंग जो हमारा सबसे हल्का लाइट वेट शटरिंग है, इसलिए इसकी हैंडलिंग सबसे आसान और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी सबसे आसान है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में भी यूज हो सकता है, और क्योंकि इजिली हैंडल है, किसी भी हाइट तक जा सकता है। इफ केयरफुली ट्रांसपोर्टेड एंड यूज मल्टीपल यूजेज मेकिंग इज हाईली इकोनॉमिकल, अगर इसे हम ध्यान से यूज करें, इसे हर कास्टिंग के बाद धुल दें, धुल के अच्छे से रख दें, इजिली ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्योंकि ये बहुत हल्का है, इससे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल शटरिंग माना गया प्लास्टिक शटरिंग को, तो इसलिए हम इसके काफ़ी रीयूजेज कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को बहुत ही हम चीपर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन मटेरियल इज कॉफर शटरिंग। हालांकि कॉफर शटरिंग इंडिया में बहुत ही कम यूज़ होता है,
बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कॉफर शटरिंग क्या होता है। कॉफर शटरिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम, यानी कि एक ऐसा फॉर्मवर्क सिस्टम है जो कि उसी जगह पे रह जाता है शटरिंग करने के बाद, और उसकी हम कास्टिंग उसके साथ ही कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू फिल्टरिंग ग्रिड्स विच आर रेनफोर्स बाई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स एंड लिंक्ड बाई आर्टिकुलेटेड कनेक्टर्स विच कैन बी फोल्डेड टू ट्रांसपोर्ट ऑन साइट। यानी कि एक तरह से दो फिल्टरिंग ग्रिड्स होती हैं रेनफोर्समेंट की, उनको आपस में जोड़ा जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को लगा करके, और उसमें कुछ आर्टिकुलेटेड कनेक्टर्स हैं, इनको लगा करके जोड़ा जाता है, और ये इजीली फोल्ड हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्टेशन करके साइड टू साइड ये मूव भी हो सकते हैं। इनको बीच में खड़ा करके और इसमें हम कंक्रीट पोर कर देते हैं, तो ये प्लेस पे ही रह जाते हैं। कास्टिंग करने के बाद ये रेनफोर्समेंट की तरह उसमें काम करने लगते हैं, जो भी हमारे कॉफर शटरिंग में मटेरियल यूज होते हैं। कॉफर शटरिंग रिमेन्स इन प्लेस आफ्टर द कंक्रीट इज पोर्ड इन द स्ट्रक्चर। यानी कि मैंने बताया कि जैसा कि कॉफर शटरिंग उसी जगह पर रह जाता है जब आप उसमें कंक्रीटिंग कर देते हो। एक्ट एज अ रेनफोर्समेंट, जो शटरिंग का ही पार्ट है वो बाद में रेनफोर्समेंट की तरह काम करने लगता है। कॉफर इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट आफ्टर प्री फैब्रिकेशन फ्रॉम द फैक्ट्री। यानी कि जो जो कॉफर अंदर लग रहा है वो फैक्ट्री से बन कर आता है, साइट पर जाता है, फैब्रिकेशन उसकी होती है, शटरिंग बनता है, और उसमें हम कंक्रीट को पोर कर देते हैं। दिस शटर्स कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक हाउसेज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और मैनी मोर। यानी कि इस तरह से कॉफर शटरिंग का इस्तेमाल हम छोटे छोटे घर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें कि कॉफर शटरिंग एक इस तरह ऐसे तरह का शटरिंग है जो कि हमारा कंक्रीटिंग करने के बाद उसी जगह पे हमेशा के लिए रह जाता है। तो अब तक हमने मटेरियल के बेसिस पे जितने भी टाइप्स ऑफ शटरिंग थे वो मेनली हमने सब कुछ देख लिया, सबके कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की अलग अलग तरह की डिमांड होती है शटरिंग की, तो उसके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शटरिंग के टाइप्स को बनाया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ऑल टाइप्स ऑफ शटरिंग आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और यूनिट द सपोर्ट। यानी शटरिंग जो है उस हिसाब से डिज़ाइन होता है जिस भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी उसकी कुछ नेमिंग होती है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लान्स स्पेसिफाई द मटेरियल्स एंड रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट। और जो भी कंस्ट्रक्शन प्लान है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लान है, या एज पर ड्राइंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हम शटरिंग के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर से एलिमेंट्स उसकी क्या थिकनेस है, कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट में यूज होने जा रहा है, तो उस हिसाब से हम डिफरेंट साइज ऑफ शटरिंग या डिफरेंट मटेरियल्स के यूज करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट फॉर्मल कंस्ट्रक्शन टेक्स मोर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो है मैक्सिमम टाइप कंस्ट्रक्शन पीरियड में लेता है हमारा शटरिंग। फॉलोइंग अप द शटरिंग टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के आधार पर ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि वॉल शटरिंग, बीम शटरिंग, फाउंडेशन शटरिंग, कॉलम शटरिंग एंड परमानेंट इंसुलेटर शटरिंग। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, वॉल शटरिंग क्या है, बीम शटरिंग क्या है, आपकी फाउंडेशन की शटरिंग क्या होती है, कॉलम की शटरिंग क्या होती है, इंसुलेटर शटरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा शटरिंग है वो क्या है, वॉल शटरिंग। तो वॉल आपको पता है, वॉल आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल वॉल भी हो सकता है, रिटेनिंग वॉल भी हो सकता है, सीयर वॉल भी हो सकता है। तो जो भी हम शटरिंग किसी भी वॉल में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वॉल शटरिंग। वॉल शटरिंग इज़ यूज फॉर कंक्रीटिंग ऑफ सीयर और RCC वॉल्स इन डैम्स, यानी कि जो भी हमारे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का वॉल्स होता है डैम्स में, वहाँ पे जो हम शटरिंग करते हैं वहाँ पे भी हम वॉल शटरिंग करते हैं, विंग वॉल्स में भी हम वॉल शटरिंग करते हैं, बेसमेंट में कहीं अगर RCC वॉल है तो वहाँ भी हम वॉल शटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, या रिटेनिंग वॉल्स मैंने बताया जो भी हमारे बैकफिल को रोकने के लिए यूज होते हैं वहाँ भी हम वॉल शटरिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। वॉल शटरिंग इज मेड अप ऑफ वर्टिकली अरेंज्ड अपराइट टिम्बर्स टू विच प्लाईवुड शीथिंग बोर्ड्स आर नेल्ड एट द इनर साइड ऑफ द शटरिंग। यानी कि बहुत सारे जो हमारे टिम्बर्स हैं वो कुछ वर्टिकल मेंबर्स और कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को जोड़ करके हम शीथिंग बनाते हैं, हम बोर्ड्स को उसमें कील ठोक करके मजबूत कर देते हैं, और इस तरह के शटरिंग को हम यूज करते हैं। द अपराइट टिम्बर्स आर डायगोनली ब्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स एट द साइड ऑफ इट। और जो भी हमारे अपराइट टिम्बर्स है उसको डायगोनली हम ब्रेसिंग करते हैं बोर्ड्स की मदद से और उसको साइड में ठोक देते हैं, ताकि जो हमारा शटरिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और काफ़ी फॉर्मली मजबूती के साथ हमारे वाल के ऊपर खड़ा रहे। यानी कोई भी कंक्रीट का अगर लोड है तो बिल्कुल भी अपनी जगह से पोजीशन से वाल को हिलने ना दे। सो सेकंड नंबर पे जो हमारा है कंपोनेंट के आधार पे टाइप्स ऑफ शटरिंग वो क्या है, बीम शटरिंग, यानी कि बीम की शटरिंग। तो शटरिंग टाइप्स में हम कंपोनेंट्स के आधार पे बीम की शटरिंग को भी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फोटो है, फुटेज है, जिसमें कि बीम की शटरिंग की हुई है, येलो कलर के बैटन्स लगे हुए और रेड कलर के प्लाईवुड के थ्रू ये शटरिंग की गई है। क्योंकि हमें पता है द बीम इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर इन RCC फ्रेम बिल्डिंग। किसी भी RCC फ्रेम बिल्डिंग में हमारा जो बीम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। बीम शटरिंग हैज़ प्री फैब्रिकेटेड
शटरिंग विच इंक्लूड सीथिंग बॉटम्स एंड साइड सीथिंग पैनल्स। इसमें क्या होता है कि हम पहले बॉटम को बॉटम प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो भी हमारी विड्थ है बीम के उस हिसाब से पहले उसको लगा लेते हैं, उसके बाद हम उसके डेप्थ के हिसाब से हम साइड पैनल्स को लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी बीम का रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो हमें काफ़ी ईजिली मिल जाता है। तो इस तरह से हम बीम की शटरिंग को कम्प्लीट करते हैं। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द शटरिंग आर मैनुफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ बीम, यानी कि जो भी उसके इंडिविजुअल पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट कहने का मतलब आपका क्या हो गया, बॉटम एंड साइड्स, तो इसे हम अलग अलग तैयार करके रख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्री फैब्रिकेशन ऑफ सीथिंग पार्ट्स टेबल फैब्रिकेशन मस्ट बी मैनुफैक्चर्ड ऑन द साइट वेयर पुरिंग ऑफ कंक्रीट टू बी डन। मतलब कहने का मतलब है कि हम एक टेबल टाइप का फॉर्म बना लेते हैं जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं, तो ये एक साइड पर आपका मौजूद होना चाहिए और वो कंक्रीटिंग करके काफ़ी मजबूती से टेबल रखा रहता है जिसके ऊपर हम ये सब चीज़ें फैब्रिकेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉर्म वर्क आर स्पेशली मेड फॉर बीम कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इस तरह के फॉर्म वर्क के लिए, मतलब बीम कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं साइड पे, ताकि हम इजिली जो बीम के साइड्स, बीम के बॉटम्स को हम बना सके, चाहे वो प्लाईवुड से आप बना रहे हो या मेटल शीट से बना रहे हो। तो इस तरह, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ शटरिंग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज फाउंडेशन शटरिंग। तो फाउंडेशन तो आपको सबको पता होगा फाउंडेशन क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में फुटिंग, बेसिकली फुटिंग या फाउंडेशन या प्लिंथ भी कह सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन की शटरिंग कैसे करते हैं, फाउंडेशन शटरिंग क्या होती है। फाउंडेशन शटरिंग इज डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन शटरिंग जो है हम फाउंडेशन के टाइप के हिसाब से करते हैं, वो आइसोलेटेड फुटिंग है या कंबाइंड फुटिंग है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं उसके डिसाइड करते हैं कि उसकी शटरिंग कैसे करनी। द डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क फॉर अ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट, आइसोलेटेड फुटिंग, मतलब जिस भी प्रकार का हमारा फाउंडेशन, चाहे वो स्ट्रिप फुटिंग हो, कंबाइंड फुटिंग हो, चाहे वो पूरा का पूरा राफ्ट हो या आइसोलेटेड फुटिंग हो, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ड्राइंग्स को देखने के बाद, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह की शटरिंग करनी है। वहाँ पे हम प्लाईवुड की शटरिंग करेंगे या टिम्बर की शटरिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम ड्राइंग के या फाउंडेशन के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं, जो भी उसके टाइप्स हैं। मेनली देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर प्राइवेट फाउंडेशंस एंड फॉर्मवर्क फॉर स्ट्रिप फाउंडेशन, यानी कि कोई भी आइसोलेटेड फाउंडेशन है या स्ट्रिप फाउंडेशन, तो उसके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके आधार पे हमें क्या होता है कि शटरिंग के डिज़ाइन में भी, शटरिंग के साइज में भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। द डिज़ाइन ऑफ शटरिंग इज एस्टिमेटेड बाय द साइज मेनली बाय द हाइट ऑफ द फुटिंग और द फाउंडेशन। हालांकि हाइट पे ही ऊपर फाउंडेशन की डिज़ाइन, क्योंकि बॉटम में तो बेस हमें मिल जाता है, तो कंक्रीट को रोकने के लिए हमें साइड्स ही हमारे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे जो फाउंडेशन की शटरिंग होती है वो मैक्सिमम फाउंडेशन या फुटिंग के हाइट पे ही डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए आप ये याद रखें कि जो भी हमारा फाउंडेशन या फुटिंग है, तो उसके हाइट के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें कौन सा शटरिंग का इस्तेमाल करना है। फोर्थ नंबर पे हमारा जो कंपोनेंट के आधार पे हमारा टाइप्स ऑफ शटरिंग है वो है क्या, कॉलम शटरिंग, यानी कॉलम की शटरिंग। कॉलम तो आपको सबको पता है कि कॉलम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मवर्क फॉर द कॉलम में चेंज बेस्ड ऑन द कॉलम शेप्स लाइक रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड हेक्सागोनल और एनी अदर शेप्स। मतलब अगर किसी भी डिफरेंट शेप्स के कॉलम है, जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, हेक्सागोनल कॉलम है, कभी कभी सर्कुलर कॉलम भी आ जाते हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम है, तो उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कॉलम में शटरिंग कैसे करनी है, और उसे ही हम कॉलम की शटरिंग कहते हैं। द सीटिंग ऑफ कॉलम शटरिंग इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉलम डायमेंशंस। जो भी उसका सीटिंग हम तैयार करते हैं, जो भी हम फॉर्मवर्क तैयार करते हैं कॉलम को, उसके साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस भी साइज का हमारा कॉलम होगा, उसके हिसाब से हम उसकी सीटिंग या उसके पैनल्स तैयार करेंगे। द पैनल्स आर एकोमोडेटिंग इन फुट ट्रिम एंकर्ड इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स एंड नट्स। कभी कभी पैनल्स को क्या करते हैं हम कि सही जगह पर, लोकेशन पर उसको रखने के लिए डायमेंशंस की लेआउट कर लेते हैं जो भी हमारे कॉलम के, उसके बाद उसको सॉइल में एंकरिंग कर देते हैं बोल्ट और नट से, ताकि जब हम कास्टिंग करें तो हमारा जो भी सीथिंग या पैनल्स है कॉलम का, वो कास्टिंग के बाद इधर उधर भागे नहीं, डायमेंशंस के आउट ना जाए। फिफ्थ नंबर पर जो हमारा आता है कंपोनेंट्स के आधार पर टाइप्स ऑफ शटरिंग, वो है परमानेंट इंसुलेटेड शटरिंग। तो कुछ ऐसे भी शटरिंग होते हैं जो परमानेंटली इंसुलेटेड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट इंसुलेटेड शटरिंग। दिस आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ शटरिंग सिस्टम। ये एक बहुत ही एडवांस्ड शटरिंग टाइप का सिस्टम है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑफरिंग परमानेंट इंसुलेशन। ये परमानेंट इंसुलेशन ऑफर करता है कंक्रीट को। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थर्मल, फायर रेजिस्टेंस, एकॉस्टिक, रोडेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। यानी कि जो इंसुलेशन है, इसमें हम कास्टिंग करने के बाद हम इस शटरिंग को एज इट इज छोड़ देते हैं, जिससे हमें कभी कभी फायर रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टीज़, एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़, रोडेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हमारे इस कोटिंग में, इंसुलेशन में पाई जाती है। इंसुलेटिंग कंक्रीट्स
forms are the most usual type of permanent insulated shuttering, where concrete structures are insulated with polystyrene boards that stay in place after the curing of concrete. यानी ये मैक्सिमम जो परमानेंट इंसुलेटर शटरिंग वो पॉलिस्टीरीन बोर्ड से बनाई जाती है, और कास्टिंग के बाद हम इसे एज इट इज़ वहीं छोड़ देते हैं जो कि हमारा इंसुलेशन का काम करती है. परमानेंट इंसुलेटर शटरिंग ऑफर्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू अ लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इससे हमारा बेनिफिट क्या है कि जो भी हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उससे जो भी कार्बन इमिशन हो रहे हैं या जो भी कंक्रीट के धूल हमारे एटमोसफेयर को नुकसान पहुँचे, तो उससे हमारा काफ़ी इंसुलेशन मिल जाता है. और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन कर दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि थर्मल या फायरेशन प्रॉपर्टीज़. तो इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे एडवांस टाइप ऑफ शटरिंग है परमानेंट इंसुलेटेड शटरिंग. तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो है सबसे अधिक यूज होने वाला अगर शटरिंग कोई बनेगा इन फ्यूचर, तो हमारा वो बनेगा परमानेंट इंसुलेटेड शटरिंग. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो. अगर आपके शटरिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो इस वीडियो को देख करके, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये शटरिंग के ऊपर हमारा वीडियो नंबर पार्ट टू था. इससे पहले मैंने शटरिंग की एक और वीडियो की हुई है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ से जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो. तो हमारे साथ बने रहें सिविल इंजीनियरिंग के और अपडेट्स के लिए. सो थैंक यू सो मच.